विश्व के सर्वोच्च पर्वतों को निर्धारित करने के लिए सन 1808 में ब्रिटिशों ने भारत का महान त्रिकोणमितीय सर्वे को शुरू किया। दक्षिण भारत से शुरू कर सर्वे टीम उत्तर की ओर बढ़ा, जो विशाल 500 किलोग्राम का विकोणमान का इस्तेमाल करते थे, जिसे संभवतः सही माप लिया जा सके। सन 1830 में वे हिमालय के नज़दीक पहाड़ों के पास पहुँचे, पर नेपाल अंग्रेजों को देश में घुसने देने के प्रति अनिच्छुक था, क्योंकि नेपाल को राजनीतिक और संभावित आक्रमण का डर था। सर्वेयर द्वारा कई अनुरोध किए गए, पर नेपाल ने सारे अनुरोध को ठुकरा दिए। ब्रिटिशों को तराई से अवलोकन जारी रखने के लिए मजबूर किया गया। नेपाल के उत्तर में एक क्षेत्र है जो हिमालय के समानांतर में है। तेज वर्षा और मलेरिया के कारण तराई में स्थिति बहुत कठिन थी। 3 सर्वे अधिकारी मलेरिया के कारण मारे गए, जबकि खराब स्वास्थ्य के कारण 2 को अवकाश मिल गया। फिर भी सन 1847 में ब्रिटिश मजबूर हुए और अवलोकन स्टेशन से लेकर 240 किलोमीटर दूर तक से हिमालय के शिखरों की विस्तार से अवलोकन करने लगे। मौसम ने साल के अंत में काम को 3 महीने तक रोके रखा। सन 1847 के नवंबर में भारत के ब्रिटिश सर्वेयर जनरल एंड्रयू वाघ ने सवाईपुर स्टेशन, जो हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थित है, वहां से कई सारे अवलोकन तैयार किए। उस समय कंचनजंगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी गई, और उसने रुचिपूर्वक नोट किया कि इसके पीछे भी लगभग 230 किलोमीटर दूर एक चोटी है। जॉन आर्मस्ट्रांग, जो वाक के सह अधिकारी थे, उन्होंने भी एक जगह से दूर पश्चिम में इस चोटी को देखा, जिसे उन्होंने नाम दिया पीक बी। बाघ ने बाद में लिखा कि अवलोकन दर्शाता है कि पीक बी कंचनजंगा से भी ऊंचा था, लेकिन अवलोकन बहुत दूर से हुआ था। सत्यमापन के लिए नज़दीक से अवलोकन करना जरूरी है। आने वाले साल में बाघ ने एक सर्वे अधिकारी को तराई में पीक बी को नज़दीक से अवलोकन करने के लिए भेजा, पर बादलों ने सारे प्रयास को रोक दिया। सन 1849 में बाघ ने वह क्षेत्र जेम्स निकोलसन को सौंप दिया। निकोलसन ने 190 किलोमीटर दूर जिरोल से 2 अवलोकन तैयार किए। निकोलसन तब अपने साथ बड़ा विकोणमान लाया और पूरब की ओर घुमा दिया। 5 अलग स्थानों से निकोलसन ने चोटी के सबसे नज़दीक 174 किलोमीटर दूर से 30 से भी अधिक अवलोकन प्राप्त किए। अपने अवलोकनों पर आधारित कुछ हिसाब किताब करने के लिए निकोलसन वापस पटना गंगा नदी के पास गया। पटना में उसके कच्चे हिसाब ने पीक बी की औसत ऊंचाई 9200 मीटर दिया, लेकिन यह प्रकाश अपरावर्तन नहीं समझा जाता है, जो ऊंचाई को गलत बयान करता है। संख्या साफ दर्शाया गया, यद्यपि वह पीक बी कंचनजंगा से ऊंचा था। यद्यपि निकोलसन को मलेरिया हो गया और उसे घर लौट जाने के लिए विवश, हिसाब किताब खत्म नहीं हो पाया। माइकल हेनेसी बाघ का एक सहायक रोमन संख्या के आधार पर चोटियों को निर्दिष्ट करना शुरू किया। उसने कंचनजंगा को IX नाम दिया और पीक बी को XV नाम दिया। सन 1852 में सर्वे का केंद्र देहरादून में लाया गया। एक भारतीय गणितज्ञ राधानाथ सिकदर और बंगाल के सर्वेक्षक ने निकोलसन के नाप पर आधारित त्रिकोणमितीय हिसाब किताब प्रयोग कर पहली बार विश्व के सबसे ऊंची चोटी का नाम एक पूर्व प्रमुख के नाम पर एवरेस्ट दिया। सत्यमापन करने के लिए बार बार हिसाब किताब होता रहा, और इसका कार्यालय उद्घोष की एक्स भी सबसे ऊंचा है कई सालों तक लेट हो गया। वाघ ने निकोलसन के डाटा पर सन 1854 में काम शुरू कर दिया, और हिसाब किताब प्रकाश अपरावर्तन के लेने देने, वायु दाब, अवलोकन के विशाल दूरी के तापमान पर अपने कर्मचारियों के साथ लगभग 2 साल काम किया। सन 1856 के मार्च में उसने पत्र के माध्यम से कलकत्ता में अपने प्रतिनिधि को अपनी खोज का पूरी तरह से उद्घोष कर दिया। कंचनजंगा की ऊंचाई साफ तौर पर 8582 मीटर बताया गया, जबकि XV की ऊंचाई 8850 मीटर बताई गई। वाग ने XV के बारे में निष्कर्ष निकाला कि अधिक संभव है कि यह विश्व के सबसे ऊंचा है। चोटी XV का हिसाब किताब लगाया गया कि यह पूरी तरह से 8839.2 मीटर ऊंचा है, पर इसे सार्वजनिक रूप में 8839.8 मीटर बताया गया। 8839.8 मीटर को अनुमान लगाकर राउंड किया गया, और इस अवधारणा से बचने के लिए 2 फीट अधिक जोड़ दिया गया था।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब समय के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।